भाई क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसको मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो वो विलेज नहीं है बट कुछ और है। सो हेयर इट इज़, मैंने अपना क्रीपर फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट बना दिया है, जो कि काफ़ी दिनों से वैसा का वैसा लटका पड़ा था। बाकी देख सकते हो काफ़ी बड़ा क्रीपर फार्म मैंने बनाया है, जिससे कि मुझे बहुत सारा गन पाउडर मिल जाता है। और इसके जस्ट बगल में मैंने ऊपर एक AFK पॉइंट बनाया हुआ है, और ये मेरा पुराना वाला AFK पॉइंट है, तो यहाँ पे जाके कुछ नहीं होता, तो इसे तोड़ना है। बाकी ये AFK पॉइंट मैंने काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। तो सबसे पहले वाटर बकेट ट्रिक के साथ चलते हैं नीचे। वैसे जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उनको पता होगा कि मैं अपना विलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जो कि मैंने आधा अधूरा जितना पिछली वीडियो में दिखाया था उससे आगे नहीं किया, क्योंकि यार विलेज बनाते बनाते मैं काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो गया था। क्योंकि अगर एक ही काम को बार बार करते रहोगे ना, तो होता है इरीटेशन, तो इरीटेट हो गया था मैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी अगर एक क्रीपर फार्म की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि क्रीपर के अलावा सारे के सारे मॉब्स इस पे स्पॉन होती हैं, और बहुत ज़्यादा होते हैं जब मैं अपने AFK स्पॉट पे होता हूँ। बाकी देखने में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे क्रीपर भी स्पॉन हुए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो नीचे चल कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितना सब कुछ इस फार्म से मुझे मिला है। सो लेट्स गो। ओके, तो ये चेस्ट तो देख सकते हो, रोटन फ्लैश बोन्स स्ट्रिंग्स सब कुछ जो भी मॉब से मिलता है, सब कुछ मुझे इस फार्म से मिला हुआ है। इससे मुझे बस एक XP नहीं मिलती, बाकी जो भी है सब कुछ मुझे इस फार्म से मिल जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि मेरा AFK स्पॉट कैसा है। AFK स्पॉट में तो काफ़ी बढ़िया बनाया है, ताकि मैं वहाँ भी आराम से रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यार एक जगह पे खड़े हो जाओ, मैंने वहाँ पे काफ़ी घर अच्छा बना रखा है। तो जैसा कि आप लोग लो सामने की तरफ देख सकते हो, मैंने इसे पूरा मेरा वुड का बनाया हुआ है, एक कमरा बनाया हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ सारी की सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं अपने काम की, जो कि मैं ऐसा है ना कि ऊपर आके कभी बोर नहीं होऊंगा, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई हुई है। वरना एक जगह पे खड़े होके सिर्फ AFK स्पॉट पे रहना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। और अगर अभी मैं सबसे पहले तो छत पे दिखा देता हूँ, मैंने छत भी बनाई हुई है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना यार। बट अगर मैं आपको कभी नीचे चल के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो गए होंगे, और बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे चल के इस फार्म से जितना भी मुझे गन पाउडर मिला हुआ है वो भी दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, कि पिछले वाले एपिसोड में मैं सारा का सारा गन पाउडर लेके गया था। पिछले वाले एपिसोड पे नहीं, पिछले वाले एपिसोड के बाद मैं सारा का सारा गन पाउडर लेके गया था नेदर पे। वहाँ पे मैंने TNT क्राफ्ट किए थे, जिससे कि मुझे ये सारा का सारा एंशिएंट डेब्रिस मिला था। क्योंकि TNT को ब्लास्ट करके, आपको पता ही होगा, TNT वाले ट्रिक को ब्लास्ट करके एंशिएंट डेब्रिस मिलता है। तो आज मैं इस एंशिएंट डेब्रिस से अपने सारे के सारे नहीं जितने टूल्स हो सकते हैं, वो सब के सब नेदर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, नेदरराइट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे स्पिनिंग टेबल चाहिए था, जिसके लिए मेरे पास वुड नहीं थी, तो पास वाले जंगल से मैं वुड काट के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जल्दी से स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं। तो स्मिथिंग टेबल की रेसिपी, अच्छा मेरे को पहले प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो स्पिनिंग टेबल की रेसिपी ये रही, स्पिनिंग टेबल क्राफ्ट करते हैं और सारे के सारे चीज़ों को अपनी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये रखा मैंने स्मिथिंग टेबल, और इसके ऊपर सबसे पहले जाएगी हमारी स्वॉर्ड, क्योंकि स्वॉर्ड जो है गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये नेदरराइट की हो गई ना, तो फिर बहुत बढ़िया लगता है। तो स्वॉर्ड, चलो स्वॉर्ड हो गई है। अब एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी सबसे पहले आर्मर निकाल लेते हैं, क्योंकि आर्मर चेस्ट प्लेट तो मैं सबसे पहले नेदरराइट का कर ही लूँगा। बाकी अपनी सबसे पहले चेस्ट प्लेट, हाँ चेस्ट प्लेट को हम रख लेते हैं नेदरराइट का करने के लिए। चेस्ट प्लेट नेदरराइट की हो चुकी है, और इसे पहन के काफ़ी सही लुक आने वाला है। बाकी मैं सोच रहा हूँ सिल्क टच वाली जो पिकेक्स है उसको नेदरराइट का कर लिया जाए, क्योंकि इसका काम जो है दूसरी वाली पिकेक्स से ज़्यादा ही होता है। तो एट लास्ट इसको भी नेदरराइट का कर लेते हैं। बाकी इसी फार्म की वजह से, जैसे कि आप लोग को पता ही है, मेरे पास बहुत सारा गन पाउडर है, तो दोबारा जाएंगे, एक और बार जाएंगे हम नेदर में, वहाँ से काफ़ी सारे एंशिएंट डेवरिस क्राफ्ट करेंगे तो वहाँ पे से काफ़ी सारा हम माइनिंग करेंगे TNT वाले ट्रिक्स, और एंशिएंट डेवरिस ले लेंगे। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर आपको आने वाली वीडियोज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं।